नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मौजूदा समय को आधी कमाई और दोगुनी महंगाई का दौर बताया। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जनता के नाम लिखे एक खुले खत में कहा कि मौजूदा सरकार लोगों के लिए केवल मुश्किलें और परेशानियां लेकर आई है। जनता को लिखे खत में अखिलेश ने कहा कि आधी कमाई दोगुनी महंगाई के इस दौर में गरीब और शोषित वर्ग की नहीं बल्कि सड़क पर आए मजदूर, कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक और हुनरमंद कारीगर, पढ़े लिखे बेरोजगार, अर्थव्यवस्था की खस्ता हाल की वजह से नौकरी से निकाले गए लोग, छोटे कारोबारी और किसान सब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में जब से ये सरकार आई है सिर्फ परेशानियां और मुश्किलें ही लाई है। एसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि इस सरकार ने समाज को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो लगातार अमीर होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोग जो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि अमीरों में भी गिने चुने लोग ही दौलत बटोर रहे हैं, मध्यम वर्ग पिसता जा रहा है। उनकी बचत और ब्याज जिस पर उनका भविष्य निर्भर करता है वो बैंक भी अब सुरक्षित नहीं है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्विटर पर ये खत शेयर किया है। अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस पर कहा कि लोग 26 जनवरी के दिन ये संकल्प लें कि वो संविधान को बचाएंगे जिससे ये महान लोकतंत्र स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे सकारात्मक, प्रगतिशील और व्यवहारिक राजनीति के साथ बढ़े जो किसी खास वर्ग के हित में ना हो बल्कि सभी को साथ लेकर चले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।